हरियाणा च जननायक जनता पार्टी सारियां 10 लोकसभा सीटां ते अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इन्हां उम्मीदवारां दे नावां दा ऐलान भी जल्द कर दिता जाएगा। ये बयान साबका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिता है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जिला पदरी मीटिंगां तों बाहर हर जिले के कई आगुआं दे नाम पार्टी हाईकमांड के सामने आ चुके ने। इस हफ्ते विचार करन तों बाद पार्टी लोकसभा चोणां दे लई उम्मीदवारां दा नावां दा ऐलान कर देगी। साबका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस नूं निशाने ते लिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस दे आगू डरे हुए ने ते कांग्रेस दी आखरी चोण है। पार्टी की पीएससी की बैठक हुई थी और पीएससी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करेगी। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरेंगे उनको जिताने का भी काम। रोहतक से संजय गबलाना का नाम चल रहा है या कोई अन्य कोई भी उम्मीदवार हो इसका नाम चल रहा है, ये अभी प्रस्तावित करना मुमकिन नहीं है, मगर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम हल्का लेवल की बैठकों से आए हैं और उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके पीएससी अपना निर्णय लेगी। आपके परिवार से चुनाव लड़ने से मना किया है, कहा कि सुरजेवाला और किरण चौधरी। देखो कांग्रेस के अंदर एक चीज़ तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है और जिस तरीके से लीडर ऑफ ओपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज कोर्ट में भी अपना बयान, जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट करी, उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा।